नमस्कार, स्वागत है आपको मेरा चैनल बैंकिंग विद रजत में। देखिए, आज का टॉपिक जो करंट फाइनेंशियल अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर्स टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि पार्ट 4, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है डेना बैंक एग्जाम, पीओ बैंक पीओ एग्जाम और एसबीआई एग्जाम के लिए। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, आप जाइए, प्लेलिस्ट जाइए, देखिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, देखिए टॉप 30 बैंकिंग एंड फिनेंशियल करंट अफेयर्स, जो कि डेना बैंक एग्जाम, जो एसबीआई एग्जाम होगा आगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी यूट्यूब में मेरा चैनल में 3 वीडियोस जो बैंकिंग, लेटेस्ट बैंकिंग करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग आपको 15 मार्क तो मिल जाएगा। दोस्तों, ये 4 वीडियो में आपको लगभग 15 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि टॉप लेटेस्ट टोटल जो इम्पोर्टेंट अफेयर्स है, टोटल मैंने इसको सिलेक्ट करके आपके लिए ये सब बनाया। आप देखिए, 4 पार्ट में आपको लगभग 15 मार्क मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, आज का जो पार्ट 4 है उसमें क्या, देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको मिला। देखिए, क्वेश्चन लिखा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ 7.4% 18-19। दोस्तों, पिछले जो ईयर 17-18 में था 6.6%, ठीक है, लेकिन अब क्या बोला, देखिए अब बोला कि जो जीडीपी ग्रोथ होगा 7.4% होगा 18-19 में, ठीक है, इतना ही होगा। और क्या लिखा है, देखिए, तो इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड पेमेंट लिमिटेड IISL इज एन आर्म ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज का एक वो है पेरेंट कंपनी, उसका जो ब्रांच, मतलब वो जो एक आर्म है, उसका एक पार्ट कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी, जो कि लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च किया है, निफ्टी इक्विट सेविंग इंडेक्स। वो क्या करता है, दैट विल सर्व एज बेंच मार्क फॉर इक्विटी सेविंग फंड ऑफर्ड बाय वेरियस म्यूचुअल फंड, जो वेरियस म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो सब इक्विट फंड और जो वो ऑफर करते हैं, उसके लिए जो जो चाहिए, जो लॉन्च निफ्टी इक्विट सेविंग इंडेक्स, एक इंडेक्स है जिसको कौन बनाया, इंडिया इंडेक्स सर्विस प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक ब्रांच, एक सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है, ये था, ठीक है। देन लिखा है, पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक हैज मैनेज टू सक्सेसफुली रजिस्टर ओवर 100 मिलियन KYC वॉलेट, जो VIP अकाउंट होता है, जो आधार कार्ड देके आप अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब KYC, जो कि पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि KYC वॉलेट किया है, कितना किया, रजिस्टर किया है, 100 मिलियंस कर दिया है, ठीक है। और लिखा है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स GSEC, देखिए यह लिखा है, EGSEC प्लेटफॉर्म व्हिच विल अलाउ रिटेल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब देखिए NSE ने लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म, जो कि EGSEC प्लेटफॉर्म, वो क्यों किया है, क्योंकि वो अलाउ करते हैं किसको, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, उसका नेम है EGSEC, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक
गिविंग एड, देखिए टोटल इतना एड दिया है, देखिए 1700 कोर्स टू उत्तराखंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इन अर्बन एरिया। दोस्तों अर्बन एरिया में, शहर एरिया में जो सीवेज फैसिलिटी ट्रीटमेंट करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एडीबी ने लोन दिया है, किसको दिया है, उत्तराखंड को दिया है, कितना दिया है, 17 कोर्स दिया है, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए यूनियन गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक थ्री, देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने और एमपी गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने एक साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, लोन एग्रीमेंट 2110, 210 मिलियन लोन एग्रीमेंट क्यों किया है, जो मध्य प्रदेश रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए ये तीन ने एक एग्रीमेंट लोन साइन किया है, ठीक है। द लार्ज द कंट्री, देखिए द कंट्री लार्जेस्ट लेंडर SBI ने, ठीक है, हैज अलाउड विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस अवेलेबल विथ मर्चेंट इन ए B2EG कैश क्रंच। मतलब देखिए आप फॉर द शॉपिंग मॉल या जो भी बड़ा जो शॉपिंग या स्टोर होती है, इसमें एक मशीन लगाया SBI ने, वहाँ पे जाके आप भी कैश विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि जो कैश क्रंच हो रहा है, ATM जाम हो गया है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, ATM आसपास नहीं है, इसलिए शॉर्टेज ऑफ कैश। सो ATM ने क्या किया है, हर एक स्टोर में या मॉल में ATM विड्रॉल, जो कैश विड्रॉल मशीन पॉइंट ऑफ सेल में लगा दिया है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुट स्टेट रन लेंडर डेना बैंक, देखिए डेना बैंक के एग्जाम है और एक न्यूज, बड़ा न्यूज देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुट डेना बैंक अंडर प्रॉम्प्ट PCA फ्रेमवर्क। लेटेस्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन, कौन सा बैंक PCA में अभी लागू हुआ है, डेना बैंक लागू हुआ था, उठ गया था, फिर भी लागू हुआ है डेना बैंक, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन एशिया एंड पैसिफिक रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने क्या बोला, देखिए बोला कि इंडिया इज फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमिक इन 2018, ग्रोथ रेट 70.4% इन 18 और 70.8% इन 19। मतलब अभी जो IMF का जो एशिया एंड पैसिफिक रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होती है हर साल, वो बनाया, ठीक है, बनाते हैं उस, वो बोला कि 2018 में इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया और ग्रोथ रेट 7.4% और 19 में होगा आपको 7.8% हो जाएगा, ठीक है। देखिए ADB प्रोजेक्टेड इंडिया रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन नेशन विथ 7.3%, देखिए वर्ल्ड बैंक क्या था 7.4% 18 में और 7.8% 19 में, लेकिन ADB ने बोला कि 7.3% 18-19 और 7.6% 19-20, ठीक है, ये दो अंक कमा दिया है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2018 इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब GDP कितना रखिए, क्लॉक इन 2.6 ट्रिलियन फॉर 2017। अप्रैल जो रिपोर्ट आती है, अप्रैल में बनाते हैं, ठीक है, वो बोला कि इंडिया का GDP ग्रोथ और क्लॉक कितना हो गया, देखिए 2.6 ट्रिलियन फॉर 2017, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट लिखा है ADB प्रोजेक्ट इंडिया रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन 7.3% 18-19, 7.6% 19-20, ठीक है। देन क्वेश्चन, इंडियन आर्मी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ एक्सिस बैंक डिफेंस सैलरी पैकेज। दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, जो पिछले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आया था, जो HDFC बैंक ने साइन किया था, ठीक है, लेकिन अभी
एक्सिस बैंक ने साइन किया है डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए, किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ, ठीक है। एमओयू साइन किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अंडर अ यूनियन गवर्नमेंट कंसल्टेशंस विद आरबीआई हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ट्रांस ऑफ सबजिन गोल्ड बॉन्ड फॉर द करंट 18-19 ईयर। मतलब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने आरबीआई के साथ बात करके वो एक जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम होती है, अभी जो नया 18-19 ईयर चल रहा है, अभी नया ईयर के लिए गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च किया है आरबीआई के साथ बात करके। कौन किया है? एमएफ ने किया है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने किया है। ई ओए बिल, मतलब जो जीएसटी बिल होते हैं, इसका एक पार्ट है ई ओए बिल, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए पर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हैज बीन रोल्ड आउट इन 5 मोर स्टेट। ई ओए बिल ने और 5 स्टेट में लागू हो गया दोस्तों। कौन सा स्टेट देखिए? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तेलंगाना ना यूपी, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा लेटेस्ट 5 स्टेट कौन है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैज साइंड लोन एग्रीमेंट, देखिए लोन एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, US 48 मिलियन। क्यों किया है ना? मेघालय जो कम्युनिटीज लीड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, देखिए मेघालय कम्युनिटीज लीड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, 48 मिलियन US डॉलर, ठीक है। गवर्नमेंट हैज राइज द ऑथराइज कैपिटल, देखिए सबसे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए नाबार्ड का जो ऑथराइज कैपिटल था 50 बिलियन था, अभी गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज कर दिया है 6, मतलब देखिए 6 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, अभी 300 बिलियन हो गया है। क्यों किया है देखिए? क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी जो लैंडिंग कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एसएमई को हेल्प करने के लिए नाबार्ड ने अभी जो ऑथराइज कैपिटल है 50 बिलियन उसको इंक्रीज कर दिया है 6 टाइम्स, 300 बिलियन टाइम्स इंक्रीज किया है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। आरबीआई वुड बाय 10,000 कोर्स, मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है 10,000 कोर्स, लगभग 1.5 बिलियन ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई ने परचेस किया है ओपन मार्केट ऑपरेशन से। क्यों किया? देखिए ओपन मार्केट क्या होते है, देखिए जब भी शॉर्टेज ऑफ फंड होती है गवर्नमेंट का या आरबीआई का होती है, वो सब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको सेल करता है ओपन मार्केट में। क्यों करता है? क्योंकि फंड जो होती है, जो लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने के लिए मार्केट से आरबीआई ने जो गवर्नमेंट बॉन्ड होती है सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको सेल करते ओपन मार्केट में। अभी उसका वैल्यू कितना किया है देखिए, 10,000 करोड़ ने आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन में लॉन्च किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आईआईबी, देखिए उसका जो आईआईबी का जो ब्रांच जो हेड, देखिए एनडीबी का तो आपका शंघाई में, आईआईबी के बेजिंग में शायद उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वो अप्रूव किए 1.5 मिलियन लोन प्रोजेक्ट रूरल रोर कनेक्टिविटी इन मध्य प्रदेश, देखिए एमपी गवर्नमेंट के लिए आईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने लोन एग्रीमेंट लोन दिया है। किसको दिया है? एमपी गवर्नमेंट को। क्यों दिया है? इम्प्रूविंग रूरल रोड कनेक्टिविटीज, ठीक है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 130 out of 186, देखिए दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आउट ऑफ 186 इंडिया ने 130 प्लेस ऑब्जर्व किया है रिसेंटली इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स
इंडिया का पोजीशन 130 आउट ऑफ 186। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड बैंक SBI हैज बिकम फर्स्ट फॉरेन बैंक इन UK आफ्टर लॉन्चिंग UK सब्सिडियरी। मतलब SBI ने UK में उसका एक सब्सिडियरी ब्रांच ने ओपन किया है, उसका नेम है क्या, देखिए SBI UK Limited। ठीक है, कितने कैपिटल, देखिए कैपिटल 2 to 5 million pounds में। अब जो पेरेंट कंपनी मतलब SBI ने ओपन किया ब्रांच UK में, उसका नेम है SBI UK Limited। ये था दोस्तों लेटेस्ट जो 30 क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपको मैंने लगभग 4 वीडियोस जो बना लिया है, जो लेटेस्ट बैंकिंग और फिनेंशियल करंट अफेयर फॉर डेना बैंक और SBI के लिए, इसमें 4 वीडियोस में आपको लगभग 15 क्वेश्चन तो दोस्तों मिल जाएगा, ये गारंटी है। तो दोस्तों इसको फॉलो करिए, और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बैंकिंग विथ रजत। धन्यवाद, जय हिंद।